आखिर सलमान खान को लेकर वो न्यूज आ गई जिसका सलमान खान के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। लोग पूछ रहे थे सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म कौन सी होने वाली है। ये हम नहीं बता रहे भाई साहब, ये पेपर की हेडलाइंस बता रही है। 3-4 पेपर के हेडलाइंस में ये निकला है कि सलमान खान की आने वाली जो फिल्म है वो कंफर्म हो गई है और वो कोई और नहीं सलमान खान एंड सूरज और बड़जात्या की फिल्म प्रेम की शादी है। खुश हो गए ना आप? ये सुनकर तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि सलमान और सूरज और बड़जात्या का साथ आना तो कमाल का एंड धमाल होता है, ब्लॉकबस्टर 100% मतलब मोहर लग गई समझ लो। जब जब सूरज प्रेम साथ होते हैं तो धमाका होना ही होना है। बट उस पेपर में यह भी लिखा गया है इस फिल्म की कंफर्मेशन जो है अगस्त में होने वाली है और 100% ये फिल्म 2024 की दिवाली पे मौके पे रिलीज होगी। तो सलमान खान के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है और इससे बड़ी सलमान खान के फैंस के लिए कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सोने पे सुहागा ये भी है कि अगस्त में तो इसकी अनाउंसमेंट है ही है, साथ साथ में संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह भी सलमान खान के लिए कंफर्म ही है। क्योंकि टाइगर 3 के बाद सलमान खान के पास कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसके लिए ये बोला जा सके कि सलमान खान इसके बाद ये फिल्म करने वाले हैं, क्योंकि सलमान खान ने किसी के भाई किसी के जान एकदम ब्रेक ले लिया था। उसके बाद जो सलमान खान ने थोड़ा बहुत जो टाइगर 3 की शूटिंग बाकी थी उसको एंड बिग बॉस के ऊपर पूरा अपना फोकस दे दिया और फिल्मों से अपने आप को थोड़े दिन के लिए दूर रखा इस सोचने के लिए कि उनको इस वक्त कौन सी फिल्म चूज करनी चाहिए। तो उनकी नजर में सबसे पहले जो आई वो आई संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह। उसके बाद जो है कि सूरज और बड़जात्या, क्योंकि सलमान को पता है सूरज और बड़जात्या ही वो है जो उनको स्टार बनाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर प्रेम मैंने प्यार किया में नहीं होता तो आज प्रेम यहां नहीं होता, और ये बात हर बार सलमान खान बोलते खुद हैं। इतनी पार्टियों में सलमान खान खुद बोल चुके हैं सूरज और बड़जात्या ही ने उनको आज स्टार बनाया। तो सूरज एंड सलमान जैसा कि पता है उनकी ये 5वीं फिल्म होगी, उससे पहले उन्होंने मैंने प्यार किया, फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन, फिर हम साथ साथ हैं, फिर प्रेम रतन एंड पायो साथ में काम किया और सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर और सुपर डुपर हिट हुई हैं। और अब जो आ रही है प्रेम की शादी, जिसका अनाउंसमेंट सलमान खान ने मजाक मस्ती में ही कर दिया था जब 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे राजश्री को, तो वहां पे सलमान खान ने मजाक मजाक में कहा था कि मेरी जो फिल्म बनने वाली सूरज और बड़जात्या के साथ उसका टाइटल कंफर्म होगा जिसका नाम है प्रेम की शादी। अब ये 100% प्रेम की शादी ही टाइटल होगा ये तो फिर अगस्त में ही क्लियर होगा, लेकिन ये चीज क्लियर है कि सलमान सूरज फिर से साथ साथ आ रहे हैं। ये फिल्म ऐसी होगी इसके लिए सूरज और बड़जात्या जाने जाते हैं। सूरज और बड़जात्या की पूरी फिल्म जो होती है फैमिली पे बेस होती है और ये भी फैमिली बेस होगी, इसमें शादी भी होगी, प्यार भी होगा, बच्चे भी होंगे, उनकी परवरिश कैसे की जाती है, ये पूरी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो सलमान खान पूरी तरीके से फिर से रेडी हैं एक पारिवारिक फैमिली इमोशन ड्रामा वाली फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि कई दिनों से सलमान खान एक्शन बैक टू बैक करते चले आ रहे हैं जिसके वजह से वो फिल्में भी मिस कर रहे हैं जिसके लिए उनको ऑडियंस बहुत पहले पसंद करती थी। बहरहाल उसके बाद जो उनकी संजय लीला भंसाली वाली फिल्म है वो भी एक जबरदस्त होने वाली है, जो ऐसा रोल है जो सलमान खान ने अभी तक वो रोल प्ले नहीं किया होगा। और संजय लीला भंसाली के बारे में सबको पता है कि वो जब कोई कहानी लिखते हैं या कोई कहानी उनके माइंड में चलती है और जब वो पर्दे पे प्रेजेंट करते हैं ना, वो कमाल का करते हैं। जो अपनी सोच को जो रियलिटी दिखानी होती है वो दर्शकों को दिखाते हैं कि देखो ये रियलिटी है, और ये चीज के लिए वो जाने जाते हैं। और सलमान और संजय लीला भंसाली के कॉम्बिनेशन तो कमाल का होता है यार। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो प्रेम की शादी के लिए एंड इंशाल्लाह के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये न्यूज कैसी लगी, ये भी अपनी खुशी इजहार जरूर कीजिएगा। और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो यार, आप लोगों की जरूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।